हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक ऑर्नामेंटल और पेरिनियल प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ में ये फ्लावरिंग प्लांट है, देखिए इसमें फ्लावर्स भी खिलते हैं और इसकी फॉलियस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इनकी फॉलियस कितनी खूबसूरत होती है और इनकी फॉलियस, इनका जो डिज़ाइन है लीफ के ऊपर, उसी की वजह से इन्हें नाम भी मिला है। तो आपको मैं इसका नाम बताऊँ, इसका नाम है पीकॉक जिंजर। पीकॉक जिंजर इसलिए इसे नाम दिया गया है क्योंकि ये जो आपका लीफ के ऊपर डिज़ाइन बना है ना, बिल्कुल जो मोर पंखी का डिज़ाइन होता है ना, सेम वैसे ही है। मोर पंखी का जो डिज़ाइन होता है उसी से पूरी तरह से मैच करता है। तो न्यू लीव्स आती हैं तो लाइट कलर का होता है, बाद में इस तरह से डार्क कलर का हो जाता है। तो इस डिज़ाइन की वजह से ये जो प्लांट है ना, बहुत खूबसूरत लुक देता है। और उसके बाद पीकॉक जिंजर, जिंजर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। ये मेरे गार्डन में ऐड हो चुका है, काफ़ी बुशी लुक बना चुका है। मैंने इसे एक हैंगिंग बास्केट में लगाया है, देखिए कितना खूबसूरत सा बास्केट है। तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और सिंपल पॉट में भी लगा सकते हैं। ये आपकी गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। एक तो पेरिनियल है, साथ में ऑर्नामेंटल है और साथ में फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए छोटे छोटे साइज के, जैसे विंका सदाबहार के फ्लावर्स होते हैं ना, सेम वैसा ही फ्लावर का लुक है। और लाइट पर्पल कलर का फ्लावर्स है और पूरे रेनी सीजन में, पूरे समर सीजन में ढेरों फूलों से भरा रहता है। देखिए जो फूल स्पेंट हो जाते हैं इस तरह से लुक देते हैं, एक दो दिन खिले रहते हैं और फिर इस तरह से स्पेंट हो जाते हैं। और जो फूल खिले हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से फ्लावर्स खिलते हैं। पर्पल एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में इनके फ्लावर्स आते हैं। तो इसमें डेली कुछ ना कुछ फ्लावर्स खिलते रहते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊँ कितने सारे फूल खिले हैं, उसके बाद ये स्पेंट हो जाएंगे तो अदर फ्लावर्स इसमें खिलते रहेंगे। तो मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा तो मैंने इसे प्रोपोगेशन से तैयार किया है। आगे इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सिर्फ एक बार आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करें, चाहे प्रोपोगेशन से चाहे नर्सरी से लाके, फिर इसकी प्रॉपर केयर करेंगे तो आपका जो प्लांट है सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट है। तो इसकी प्रॉपर केयर मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और ये प्लांट मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, छोटा सा ही राइजोम था और एक या दो ब्रांचेस थी। उसका प्रोपोगेशन का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वो देखिएगा। दो ब्रांचेस मैंने लगाई थी और धीरे धीरे प्लांट ने कितना बुशी लुक बना लिया। पूरा जो हैंगिंग बास्केट है ना वो भर चुका है, इतना बुशी लुक में आ गया है कि जो पॉट है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से मैंने इसे प्रोपोगेशन से तैयार किया था। तो आप भी कहीं ये ब्रांच मिलता है तो प्रोपोगेशन से तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसे कैसे लगाया वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसको जो सॉइल मिक्सचर है वो देना है, परफेक्ट सॉइल मिक्सचर देना है। तो ये वेलडन सॉइल को ही लाइक करता है, उसमें हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेना है, एक हिस्सा रिवर सैंड लेना है और उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करके प्लांट को लगा देना है। चाहे आप उसकी ब्रांच लगा रहे हैं, चाहे आपने नर्सरी से परचेज किया है और उसे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सॉइल मिक्सचर बनेगा। कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, जैसे मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है, बुशी लुक बना रहा है। और जो रिवर सैंड ऐड कर देंगे उससे वेलडन सॉइल बनेगी, तो कभी भी ये जो प्लांट है पानी रुकने से जो रूट रूट है वो नहीं होगा। तो ये सॉइल मिक्सचर इसके लिए परफेक्ट है, मैंने खुद भी ऐसा ही सॉइल मिक्सचर इस प्लांट को दिया था। उसके बाद सनलाइट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट फिल्टर सनलाइट को लाइक करता है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इनकी जो लीव्स है वो ड्राई हो जाती है और जो इनका लुक है वो बहुत बेकार सा दिखने लगता है। तो मैंने इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, बल्कि इसे छन के धूप मिलती है, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है और बारिश का पानी भी मिल रहा है और ये मेरे टेरेस पे पड़ा हुआ है। एक कॉर्नर है जहाँ पर धूप तो नहीं पड़ती लेकिन उसकी आँच आती है और बारिश का पानी मिलता है, वहाँ पर मैंने इसे रखा हुआ है। तो ऐसे जगह पे ही आपको इस प्लांट को शिफ्ट करना है जहाँ इसे फिल्टर सनलाइट मिले और बारिश का पानी मिलता रहे, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये समर ग्रोइंग प्लांट है, विंटर में इनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो विंटर में आप इसे प्रॉपर सेफ रखेंगे, सेव कर लेंगे तो हर साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो ये हो गया पीकॉक जिंजर और इसका साइंटिफिक नेम है कैम्फेरिया लॉटिका। कैम्फेरिया लॉटिका के नाम से भी आप इसे अपनी नर्सरी से परचेज कर सकते हैं और पीकॉक जिंजर के नाम से भी।
अब वाटरिंग की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड वाटरिंग ही करनी है, लेकिन सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि जो इनकी लीव्स होती है ना काफ़ी सॉफ्ट होती है। अगर सॉइल ड्राई पड़ा रहेगा तो जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो हल्का सा मॉइस्चर, यानी ये नहीं कि सॉइल को गीला कर दें, हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है कि जो भी लीव्स बन के आए वो तो अच्छी आए, फ्रेश आए, लेकिन जो ओल्ड लीव्स है ना वो भी ड्राई ना हो। देखिए जितनी भी ओल्ड लीव्स है सारी की सारी ग्रीन कलर की दिख रही है ना, एक भी लीव्स येलो नहीं हो रही, ड्राई नहीं हो रही, क्योंकि इसे प्रॉपर जो जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उतना मैं दे रही हूँ। जैसे समर स्टार्ट होता है उस समय बहुत गर्मी होती है, सॉइल ड्राई हो जाता है, तो उस समय तो मैं लिमिटेड वाटरिंग करती करती हूँ। आजकल बारिश का सीजन है तो खुले बारिश के पानी में है, तो बारिश के पानी की वजह से इसने बहुत तेज़ी से बुशी लुक बना लिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये हो गया इसका वाटरिंग का डिटेल। उसके बाद में इसके कंपोस्ट की बात करूँ तो कंपोस्ट इसको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब ये समर सीज़न स्टार्ट होता है तो जनवरी में आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर देंगे ना, तो प्लांट पूरे समर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, आपके गार्डन में बना रहेगा। और मैंने भी इसमें काउडंग कंपोस्ट ऐड किया था, इसीलिए इतना खूबसूरत लुक दे रहा है, बहुत प्यारा सा बुशी लुक बनाया है इसने। तो आप इसमें कंपोस्ट ऐड करेंगे तो काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीपून यानी कि पत्तियों की खाद ऐड कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी कंपोस्ट ऐड करेंगे ना तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये हो गया कंपोस्ट। आपको कब ऐड करना है? जनवरी मंथ में ऐड करना है, क्योंकि विंटर में ये ग्रोथ नहीं करता। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। प्रोपोगेशन बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इसकी एक ब्रांच सॉइल से निकालनी है, उसमें थोड़ा सा राइजोम आए, थोड़े से रूट्स रहे ना, तभी वो ग्रो हो पाएगा। और अगर आपने इसे कट करके लगाया या फिर इसे सॉइल से निकालते हुए उसकी ब्रांच कट हो गई, सिर्फ ब्रांच ब्रांच रहेगी, तब उसके लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो केयरफुली इसके जो ब्रांचेज हैं वो निकालनी है, उसमें हल्का सा राइजोम आ जाए, हल्के से रूट्स रहें, तो ये 100% ग्रो हो जाएगा। मैंने खुद ऐसा ग्रो किया है। तो आप ना जो मेरे चैनल पे सर्च कीजिएगा पीकॉक जिंजर या फिर कैम्फेरिया लॉटिका प्लांट प्रोपोगेशन, तो वो वीडियो खुल जाएगी, बहुत इजीली आप उसे देख पाएंगे और इस प्लांट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोपोगेशन से तैयार करके अपने गार्डन में ऐड कर पाएंगे। ये हो गया इसका प्रोपोगेशन। इसके फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं, इसमें कोई सीड्स वगैरह नहीं बनता, इसलिए इसे राइजोम से ही ग्रो किया जाता है। अदरक की तरह इसके राइजोम होते हैं सॉइल के अंदर, उसी से ये प्रोपोगेट होता है। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट केयर। प्लांट पे किसी भी तरह का पेस्ट वगैरह नहीं लगा, मेरे प्लांट पे नहीं लगा। अगर आपके प्लांट पे लगता है तो आप इसे नीम ऑयल या पेस्टिसाइड स्प्रे करके जो भी पेस्ट लगे उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ये है इसकी कंप्लीट केयर। अगर आप लोग को पसंद आती है पीकॉक जिंजर प्लांट की कंप्लीट केयर, प्रोपोगेशन, कंपोस्ट वगैरह, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की केयर वीडियो, कंपोस्ट बनाने का तरीका और जो वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने का सारा ही सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप लोग को गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पे मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।